गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बीएससी फर्स्ट टाइम के लिए और हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जिसकी फर्स्ट क्लास में हमने आपकी दो यूनिट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था कि एंशिएंट बॉटनी क्या होता है, माइक्रोबियल वर्ल्ड क्या होता है। अब हम थर्ड यूनिट है हमारी फाइटोलॉजी। ठीक है, फाइटोलॉजी के बारे में हमें क्या करनी है, बात करनी है। फाइटोलॉजी क्या होता है और फाइटोलॉजी में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं और इसके अंदर फाइटोलॉजी में टॉपिक रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, तो फाइटोलॉजी में आप फाइटोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, फाइटोलॉजी का मतलब आपका क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं आपका एल्गी या शैवालों का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं आपका फाइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गी। क्या रहेगा टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गी। एल्गी का मतलब क्या होता है, शैवाल। ठीक है, तो शैवालों का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे, शैवाल क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, शैवाल हमारे लिए क्या करते हैं, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल रहते हैं या फिर हमारे लिए वो नॉन बेनिफिशियल रहते हैं। ठीक है, और शैवाल कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शैवालों का जनरल अकाउंट या फिर हम बोल सकते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। दूसरा है हमारा शैवालों की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे हम शैवालों का फ्लैजला, शैवालों का पिगमेंटेशन कौन कौन से होता है, फूड मटेरियल्स हमें शैवालों से कौन कौन से प्राप्त होते हैं और शैवाल जो है वो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, एल्गी है, एल्गी जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे करती है। रिप्रोडक्शन का मतलब अपने ही जैसे नई संतानों को, नई संतानियों को कैसे बर्थ करती है, कैसे जन्म देती है, कैसे उसकी जो स्पीसीज है वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम बहुत डीप से हमें पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन क्या है एल्गी का। और दूसरा इसका है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, ये भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी की क्लासिफिकेशन के बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक, तो ये है आपकी थर्ड यूनिट। ठीक है, इसमें हम कुछ शैवालों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपका नोस्ट्रम हो गया, क्लोरेला हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, उडोगोनियम हो गया एंड कारा हो गया, सार्गेशियम हो गया। ये आपके कुछ प्रमुख क्या है, आपके एल्गीज हैं, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो फाइटोलॉजी मतलब एल्गी के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, फाइटोलॉजी। जिस ब्रांच में, जिस शाखा के अंतर्गत हम एल्गी का स्टडी करते हैं, एल्गी का अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइटोलॉजी। ठीक है, और कुछ फाइटोलॉजी जैसे आपका मैंने बताया कारा, नोस्टॉक, उडोगोनियम, वॉलवॉक्स, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इनका इंट्रोडक्शन क्या है, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे ये रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या क्या इनके यूजेस हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे और इनमें से एक क्वेश्चन आना आपका कंफर्म है, एग्जाम में आना है। ठीक है, तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा नेक्स्ट हमारी यूनिट आती है माइक्रोलॉजी। ठीक है, माइक्रोलॉजी का मतलब क्या हुआ, तो माइक्रोलॉजी में हमें मुख्यतः क्या पढ़ना है, आपके कवक। ठीक है,
में पढ़ना है। जैसे कि आपकी हो गया है स्टीम मिनिटस मिक्सोमाइकोटा, ठीक है, यू माइकोटा, जाइगो माइकोटिना, एस्को माइकोटिना, बेसिडियो माइकोटिना और ड्यूटेरो माइकोटिना के बारे में भी पढ़ना है। और इन सब के अंतर्गत भी कई चीजें आती है, जैसे आपका बेसिडियो माइकोटिना में आता है पक्षीनिया, ठीक है, यूस्टिलेगो, इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं इस यूनिट्स में। तो अभी तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि हमारी एक यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हमें वैदिक बॉटनी के बारे में पढ़ना है एंड एंशियंट बॉटनी के बारे में पढ़ना है, मॉडर्न बॉटनी के बारे में पढ़ना है। दूसरा है माइक्रोबियल वर्ल्ड, सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है। तीसरा है आपका फाइकोलॉजी, शैवालों के बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट है आपका माइकोलॉजी, मतलब हमें पढ़ना है फंजाई के बारे में, ठीक है। तो ये है आपका फोर्थ यूनिट का सिलेबस, ठीक है। बाकी यूनिट्स का सिलेबस हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और आई होप आपको ये सिलेबस जो है इतना तक समझ आ गया होगा, ठीक।